इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत की इस पार्टी में हम लोग को जोड़े थे, हम लोग के गार्जियन के रूप में रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आज हम जिनके आदर्श पे चलते हैं, आज वो स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है, उस जयंती के अवसर पर मैं स्वामी जी को आप सबों की ओर से, अपनी ओर से, इस मंच की ओर से, ठाठीपुर से उनको नमन करता हूँ। भगवान हम लोग को सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, जो उनके आदर्श को आगे बढ़ाए और उनके आदर्श पर चले। माननीय, आज नागरिकता संशोधन बिल के हम लोग समर्थन में जो ये रैली कर रहे हैं, इसकी बहुत आवश्यकता थी। हायाघाट से नहीं पूरे देश में हो रही है, इसका आवश्यकता क्यों है मैं आपको दो शब्द बता रहा हूं। माननीय, जब ये देश आजाद हुआ और देश आजाद के बाद जो देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन के बाद जो हमारे जो पाकिस्तान से अल्पसंख्यक थे, उनको जिस हाल में हमारे देश में कत्लेआम करके भेजा गया, तब इस देश के कांग्रेस पार्टी, इस देश के वामपंथी किसी ने नहीं उठाया, किसी ने कभी रोड पे नहीं उतरा। आज जब ये नागरिकता संशोधन बिल आया है, जो वहां से भगाए हुए अल्पसंख्यक को आज यहाँ एक नागरिक बनाया जाए, उनको तकलीफ पड़ गई है। जब हिंदू समाज हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं, जब हम कभी भी किसी भी धर्म को हम अपनाने के लिए तैयार हैं, जो हमारे पास आओ रहो, आपको सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन जब कोई हिंदू की बात होती है, उनको तकलीफ बढ़ जाती है। क्यों भाई, हिंदू के नाम पर आपको क्यों तकलीफ बढ़ जाता है? और उसके बाद 90 में कश्मीर से कश्मीरी पंडित को एक रात में खदेड़ करके भगाया गया, 80 में भगाया गया, किसी ने नहीं आवाज उठाया, किसी पार्टी ने नहीं आवाज उठाया, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम में जनसंघ के रूप में थे, भारतीय जनता पार्टी के रूप में थे, इन्होंने बीड़ा उठाया जो हम पुनः स्थापित करेंगे कश्मीरी पंडित को। आज हमारे जो उस तबके के लोग हैं जो तकलीफ झेले हैं, जो हमारे पड़ोसी देश से भगाए गए हैं, उनको नागरिक बनाने का है, ये जरूरी था। हम धन्यवाद करते हैं जो नौजवान भाई आज हमारे साथ इस तरह से हायाघाट में हौसला बढ़ा रहे हैं, हमारे जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नवीन कुमार चौधरी जी, चौपाल जी जिस तरह से दिन रात एक किए हैं, मैं उनको खोज खोज नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच आज गोपाल जी ठाकुर जी आए थे, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। संजय सरावगी जी हम लोग को आशीर्वाद देने आए थे, उनको भी धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ मैं अपना सब समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।